चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि हम लोग का ये पहला लेक्चर था इकोनॉमिक्स, एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड को हम लोग अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हैं, जस्ट बिकॉज 10th स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट है उसका डेट आ चुका है, मतलब उसका डेट नहीं आया है, उसका टाइम आ चुका है बट रिजल्ट नहीं आया है। सो आई डोंट वॉन्ट कि 11th स्टैंडर्ड में जो जाने वाले बच्चे हैं, जो कॉमर्स लेने वाले हैं, उनका टाइम वेस्ट हो। सो वी हैव स्टार्टेड विद द लेक्चर्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड ऑफ कॉमर्स, ओके, एंड टेकिंग इकोनॉमिक्स। वी हैव स्टार्टेड विद इकोनॉमिक्स, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद अदर सब्जेक्ट्स एज वेल जो भी कॉमर्स से है, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर फ्यू टॉपिक्स ऑफ फर्स्ट चैप्टर। कल हम लोग ने जो किया था, इंट्रोडक्शन किया था, डेफिनेशन मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स किया था, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे वही फर्स्ट चैप्टर के साथ। कल नहीं किया था, एक्चुअली परसों किया था, मैंने बोला था तुम लोगों के ऑल्टरनेट डेज पे हम लोग लेक्चर लेंगे, ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू कवर ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसकी टू ब्रांचेस है इकोनॉमिक्स की, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ऑल्सो वी आर गोइंग टू कवर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें फर्स्ट है वॉन्ट्स। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, हम लोग उसको आगे के लेक्चर्स में डिटेल करेंगे, स्टडी करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे। ज़्यादा हम लोग बड़ा बड़ा लेक्चर लेने की कोशिश नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज तुम लोग को भी मालूम है कि घर बैठे बैठे तुम लोग कितना पढ़ाई कर लोगे, क्योंकि तुम्हारा रिजल्ट तो आया नहीं, एंड इट इज जस्ट एप्लीकेशन टाइम विच यू आर गोइंग फ्रॉम, ओके। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड्स है, उसमें सर्टेन कुछ चार पाँच पॉइंट्स हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे और लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। ज़्यादा बड़ा लेक्चर होगा नहीं, इट विल बी अराउंड 10 to 15 minutes, ओके। सो दिस इज बासित सर वेलकमिंग यू टू योर ओन क्लासेस, द ट्यूटर्स राइट नाउ फ्रॉम कॉमर्स एज, ओके। So, let us get started. Branches of economics. In 1993, Sir Ragnar Fringe coined the term microeconomics and macroeconomics. These two terms are derived from the Greek words micros and macros respectively. 1993 में Ragnar Fringe नाम के जो economist थे, उन्होंने ये पहली बार ये term coin किया था microeconomics and मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहली बार उन्होंने यूज़ किया था इंडिया 1933, और वो दोनों ग्रीक वर्ड्स हैं, माइक्रोस एंड मैक्रोस। अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स उसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द बिहेवियर ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वेरिएबल्स सच एज हाउस होल्ड, वर्कर, फर्म्स, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, ओके। अभी इधर तुम लोग बोलोगे सर स्मॉल है क्या है, मीनिंग कैसा है, क्यों है, ये को दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया है, उन सबका जवाब मैं देने के लिए, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद ओनली स्मॉल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी जैसे कि मैंने तुम लोगों को एक कंट्री दे दिया, तो पूरे कंट्री के इकोनॉमिक्स को मैंने स्टडी करने के लिए, बट कंट्री के इकोनॉमिक्स में, पूरे कंट्री के इकोनॉमिक्स में अगर तुम लोगों को मैंने बोला कि सिर्फ यही इंडस्ट्री, एक छोटी सी इंडस्ट्री नाला सोपारा वेस्ट में, पाटनकर पार्क में या कहीं पर एक छोटी सी क्लास है, उसके इकोनॉमिक्स को स्टडी करो, वो पर्टिकुलर थिंग तुम्हारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में काउंट होगी। एक इंडिविजुअल पर्सन का इनकम, एक्सपेंडिचर वगैरह, वो सब जब हम लोग काउंट करते हैं, एक इंडिविजुअल फर्म के बारे में या इंडस्ट्री के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज काउंटेड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, ओके। वैसे अगर मैंने पूरे कंट्री के बारे में स्टडी किया तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हम लोग उसको मैक्रो के पार्ट में पढ़ेंगे, ओके। अभी फिलहाल हम लोग सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ओके। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहला है वॉन्ट। इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन वॉन्ट इन फ्यू वर्ड्स। इन कॉमन लैंग्वेज वॉन्ट कैन बी रिफर्ड टू एज अ नीड। इन इकोनॉमिक्स वॉन्ट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फेक्शन। दिस फीलिंग एनेबल्स द इंडिविजुअल टू सेटिस्फाई हिज वॉन्ट्स। वॉन्ट एक सिंपल, अगर तुम लोग साइकोलॉजिकल बिहेवियर अगर देखोगे उसका, तो कोई भी चीज़ का सेटिस्फेक्शन जब हमको नहीं मिलता है तो हम लोग उसको वॉन्ट में काउंट करते हैं। कि मुझे अगर समझो कोई चीज़ की ज़रूरत है, मैं कोई चीज़ से ना खुश हूँ, तो मैं उस सेटिस्फेक्शन को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, और जब मैं उस सेटिस्फेक्शन को ढूंढने की कोशिश करूँ, आई एम डिमांडिंग दैट पर्टिकुलर सेटिस्फेक्शन, आई एम डिमांडिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, और वो अल्टीमेटली और कुछ नहीं, मेरा एक वॉन्ट है, मुझे कुछ चाहिए, ठीक है। इट कैन बी टेंजिबल, इट कैन बी इनटेंजिबल, दिख भी सकता है उसको, हम लोग महसूस कर सकते हैं, या नहीं भी दिख सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ओके। वॉन्ट जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट बन जाता है अगर हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो, वरना कोई भी इंसान अगर कोई चीज की वॉन्ट्स नहीं, ऐसा
इच्छा जाहिर नहीं करेगा कि उसको कोई चीज चाहिए, कोई वांट अगर डिमांड नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली देर विल बी नो इकोनॉमिक्स। इफ आई एम नॉट डिमांडिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, सामने वाला कुछ देगा नहीं और मैं उसके बदले उसको कुछ पैसा नहीं दूंगा, तो अल्टीमेटली ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर अकाउंट्स भी बंद हो जाएगा फिर, ठीक है। तो व्हाट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी कर रहे हैं तो, या कोई भी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं रिलेटेड टू इकोनॉमिक, पैसा, पैसे से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट है जो पैसे को, पैसे से रिलेटेड है, ठीक है। Human wants have grown in numbers for two basic reasons. There are two types of human wants: desire for better living due to inventions and innovations, and rising population. दो टाइप की wants, दो टाइप का हमारा जो बोलते हैं ना want को satisfy करने की वजह से हम लोग दो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, innovation और population. हर चीज नई नई चाहिए रहती है हमको, ठीक है, और population. ये दो चीज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, want की category में आती है ये, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स, फर्स्ट इज वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, हमारी वॉन्ट्स कभी हमको सेटिस्फाइड, हम तो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते। इफ आई एम अर्निंग 10,000 रुपीस आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे और चाहिए। अगर फिर सैलरी बढ़ के 15,000 हो गई और चाहिए, 20,000 हो गई और चाहिए, ऐसे ऐसे करके बढ़ती रहेगी, बट आई विल नेवर गेट सेटिस्फाइड विद माई वॉन्ट्स, बिकॉज वॉन्ट्स जो है वो अनलिमिटेड वॉन्ट्स को हम लोग एक वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करेंगे, अल्टीमेटली दूसरी वॉन्ट जनरेट होगी। अगर मुझे बाइक की जरूरत है, मैंने बाइक खरीद ली तो मुझे पेट्रोल की जरूरत जनरेट होगी, पेट्रोल ले लिया मैंने, पेट्रोल महंगा होते जा रहा है तो मुझे अब पैसे की जरूरत है, अब पैसा जो है वो ज्यादा आ गया तो अब मैं सोच रहा हूँ बाइक क्यों चलाऊ, जब ज्यादा पैसा ही आ गया तो गाड़ी ले लेंगे। सो वॉन्ट्स आर वेरी वेरी यू नो यू कैन से दैट नेवर एंडिंग, इट गोज ऑन एंड ऑन, इट इज अनलिमिटेड। हमारे वॉन्ट्स से हम लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, ओके। यहाँ बाहर बहुत डिस्टर्बेंसेस है, जस्ट कल मेरे घर के बाहर सिग्नल है, रोड सिग्नल, और वहां पर कितनी आवाज हो रही है, इन लोग को रेड सिग्नल पे रुकना है और रेड सिग्नल पे रुक के अपने गाड़ी के हॉर्न नहीं बजानी है, पर फिर भी जैसे हॉर्न बजाएंगे तो शायद फटाफट ग्रीन हो जाएगा सिग्नल, आई गेस, इडियट्स। वॉन्ट्स आर रिकरिंग इन नेचर, इट गोज ऑन एंड एंड गोज ऑन एंड गोज ऑन, इट कम्स अगेन एंड अगेन, जैसे मैंने बोला ना तुम लोगों को, इट इज नेवर एंडिंग, ठीक है। वॉन्ट्स डिफर फ्रॉम एज टू एज, ओके, वॉन्ट्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन डिफर एज पर दी क्रोनोलॉजिकल एज, ओके। जैसे अभी समझो बच्चे लोग का जो डिमांड होता है, छोटे बच्चे लोग हैं उनके डिमांड, उनके वॉन्ट्स कुछ और होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल उनको टॉयज चाहिए खेलने को, मेरे जैसे लोगों को खेलने के लिए बाइक चाहिए, मेरे डैड को दे आर सेटिस्फाइड आई गेस, बट बड़े वाले एज जो अपने हमारे से बड़े जो लोग होंगे उनकी वॉन्ट्स अलग होगी, ठीक है। सो अल्टीमेटली वॉन्ट्स जो है वो एज टू एज डिफर करता है, ठीक है। Wants differ with gender as well. Obviously, females का जो डिमांड होता है, wants जो होते हैं उनके अलग wants होते हैं, demands होते हैं, men का अलग demand, और जो transgenders वगैरह जो होते हैं, उन सबकी सबकी अलग अलग demands और wants होती है, ठीक है। Wants differ due to preferences as well. अभी हर एक इंसान को हर एक चीज पसंद नहीं आती है, ठीक है। तुम लोग कभी देखो अपनी फैमिली के साथ आइसक्रीम खाने जाते हो, इसका नाम नहीं लेना, बहुत गर्मी है एक्चुअली, बट स्टिल एग्जाम्पल देने के लिए, अगर तुम लोग समझो आइसक्रीम खाने के लिए गए बाहर, सब लोग एक ही आइसक्रीम लेते नहीं, एक को चॉकलेट चाहिए, एक को मलाई कुल्फी चाहिए, एक को ऑरेंज कैंडी चाहिए, सबको अलग अलग आइसक्रीम चाहिए। सो डिमांड वॉन्ट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, हर एक इंसान की अलग अलग प्रेफरेंसेस, अलग अलग टाइप के चॉइसेस होते हैं, जिसकी वजह से उनके वॉन्ट्स डिफर करते हैं, ओके। Now next we have is classification of wants. So मैंने लिखा ही नहीं, characteristics of wants लिख के छोड़ दिया, ये नया marker है दूसरा वाला blue color का, ये तुम लोगों को अलग से लिखेगा। Classification of wants, बहुत बड़ा word है। Okay, so I will be winding up my lecture after this topic. Okay, कुछ ना कुछ भूल ही जाता हूँ मैं lecture में हमेशा, I don't know why. Okay, classification of wants. First is economic wants and non-economic wants. ठीक है, दो टाइप के wants हैं, economic wants and non-economic wants. पहला है economic wants. Economic wants are those where monetary transaction is involved. An individual has to pay the price for them. जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया आइसक्रीम, या तुम लोग कुछ खाना ऑर्डर करते हो तो उसका पैसा तुमको पे करना पड़ता है, या कोई भी चीज जब तुम लोग पैसे के बदले लेते हो, एक्सचेंज करते हो, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक वॉन्ट्स।
your want, which you are satisfying by paying something, by paying money, is called economic wants. Whereas वो जरूरतें जो पूरी तो हो जाती है बट उसके बदले आपको पैसा नहीं देना पड़ता है. जैसे कि सोचो सोचो सोचो, इट इज वेरी सिंपल. एयर, सनशाइन, वो सारी चीजें जो हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर में मिल जाती है, ठीक है, हम लोग को उसके लिए पे करना नहीं पड़ता. बट स्टिल वी डिमांड फॉर दोस चीज. हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि हाँ ठीक है आज के दिन में ऑक्सीजन बहुत ले लिया अब और नहीं चाहिए. इट इज अ नेवर एंडिंग. हम लोग बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते और हमको उसके लिए पे नहीं करना है. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना. दूसरा है इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट. क्लासिफिकेशन का सेकंड पॉइंट इज इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट. पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स रिफर्स टू दोज वांट्स व्हिच आर सेटिस्फाइड एट द इंडिविजुअल लेवल. दैट इज डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, जज वेयरिंग हिज कोट, टीचर हैविंग अ मार्कर. एक इंडिविजुअल पर्सन जब उसके ऑब्जेक्ट को या उसके वांट को फुलफिल करता है विद बाय परचेजिंग समथिंग, ठीक है, एक इंडिविजुअल पर्सन जब अपने वांट्स को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं इंडिविजुअल वांट. व्हेयरएज कलेक्टिव वांट्स में क्या है, जब बहुत सारे लोग एक ही गुड्स को यूज करके, जैसे मैंने मेरे लिए पर्सनल एक मार्कर रखा है तो ये इंडिविजुअल वांट हो गया, ये मार्कर मेरा है, ये इंडिविजुअल वांट है, ठीक है. व्हेयरएज अगर कोई एक ही गुड्स को यूज करके बहुत सारे लोग सेटिस्फाई हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव वांट. जैसे कि तुम्हारी बसेस, जैसे कि तुम्हारे ऑटो रिक्शा, जैसे कि तुम्हारी ट्रेन, कितने सारे लोग एक ही ट्रेन में चढ़ जाते हैं ना, सबके लिए अलग ट्रेन आती नहीं, ये मेरी ट्रेन है, मेरे बाप की ट्रेन है, ऐसा नहीं. रियली सॉरी टू यूज दैट स्लाइड. ओके, एक इंडिविजुअल इंसान के लिए एक ट्रेन नहीं आती है, सबके लिए कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों के लिए एक ही ट्रेन आती है, सो वो कलेक्टिव वांट में काउंट होता है. ओके, एंड लास्ट पॉइंट, नेसेसिटीज, कंफर्ट एंड लग्जरीज. ये तो ऑब्वियसली तुम लोगों को आना चाहिए बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जस्ट बिकॉज लेक्चर चल रहा है और एसी अभी ठंडा ही नहीं होता है. देखो कितना गर्मी है. नेसेसिटीज आर द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, दैट इज फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन. दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज. इतना तो इंसान के पास होना चाहिए, ये इंसान का वॉन्ट है नेसेसिटीज के कैटेगरी में. कंफर्ट में क्या है, वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर, ये सब कंफर्ट है. मतलब ये थोड़ा सा लाइफ को इजी बनाने के लिए, हाथ से कपड़ा धोने से अच्छा वॉशिंग मशीन है, वो सिल बट्टे पे मसाला पीसने से अच्छा मिक्सर है हमारे पास, चूल्हे वगैरह में खाना देर तक पकाना नहीं है, तुमको ज़्यादा देर खाना नहीं रहना है तो यू हैव प्रेशर कुकर. सो दीज आर कम्फर्ट्स. वेयर हैज लग्जरीज, एसी कार है, वेल फर्निश्ड हाउस है, ये सब हमारे लग्जरीज में काउंट होते हैं. सो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉन्ट्स, डिफरेंट पीपल हैव different types of satisfactions by getting that particular wants, ठीक है, luxuries है, necessities है, comfort है, economic wants है, non-economic wants है, wants ही wants है, wants जो होते हैं वो recurring in nature होते हैं, it goes on and it is unlimited in nature, it will never end. तुम लोग खुद का ही example ले लो, तुमको कुछ भी मिल जाता है तो तुमको एक दिन की खुशी देती है, उसके अगले दिन तुमको उससे ज़्यादा चाहिए रहता है. Okay, so these where few points of wants, and this was a very efficient, nahi bolenge isko main kabhi bhi apne lecture ko bhi efficient nahi maan raha hu, just because I don't know why, but mere lectures itne fluently nahi ja rahe hain, theek hai. So I hope people have enjoyed the lecture. Tum logo sab samajh mein aaya hai maine kya sikhaya hai. Agar nahi samajh mein aaya to tumhare paas hi hai video, tumhare paas internet bhi hai, tumhare paas wifi hai, download karo. Agar tum logo ko nahi ho raha hai ek hi baar mein download karke YouTube pe wo videos ko baar baar dekho. अगर तुमको समझ में आता है तो अच्छी बात है, लाइक कर दो. नहीं समझ में आता तो भी चलेगा, डिसलाइक कर दो, ठीक है, बट समझने की कोशिश करो. इफ यू आर इन टच विद मी यू कैन आस्क मी डाउट्स ऑन व्हाट्सएप, इफ यू आर नॉट इन टच विद यू कैन आस्क मी डाउट्स ऑन द कमेंट सेक्शन व्हिच हैज बीन गिवन बिलो. जब तक ये लेक्चर तुम लोग को मिलेगा तब तक शायद तुम लोग सोच चुके रहोगे, क्योंकि मैं बहुत रात हो गई है अभी और मैं रात को लेक्चर ले रहा हूँ, उसको एडिट करके डालते तुम्हारे सोने का टाइम हो जाएगा. आई गेस तुम लोग सोच रहे 11 बजे मैं डालने वाला हूँ, क्योंकि ठीक है. ओके, विद दैट सेड, ओके, सो आई एम वाइंडिंग अप माय लेक्चर ओवर हियर. दिस वाज वासिस सर विद 11th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स लेक्चर ऑफ कॉमर्स एंड आर्ट्स ऑफ चैप्टर 1 लेक्चर 2. थैंक यू सो मच. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.